हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन, ओके। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मॉडर्न अप्रोच ऑफ द अकाउंटिंग टू द डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट क्लास वी आर लर्न अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच। देयर आर थ्री हेड्स इन द डिवाइडिंग अ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द आइटम्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। टुडे वी आर डिस्कस द मॉडर्न अप्रोच दैट्स ऑल्सो कॉल्ड द अमेरिकन अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। अमेरिकन अप्रोच डिवाइडेड द फाइव हेड्स टू द रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ द अकाउंट फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फाइव हेड्स अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच। फर्स्ट हेड इज एसेट्स अकाउंट। ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड अंडर द दिस हेड्स, जस्ट लाइक अ फर्नीचर, a plant, machinery and other things which is the help to the increase the business are called the asset for the business. So we recorded all the assets when we purchase and when we sell under this head. Our second head is liabilities. Actually liabilities for the business, all the liabilities for the business recorded under this head, just like a bills payable, creditor, loan are the recorded under this head. Other is capital account or owners equities account. Owners equity accounts and the capital account is similar, just like when the owner is invested capital in the business, we write the this head's owners capital. Expense and losses of the accounts. Expense and losses, just like a salary paid, wages, remuneration paid are called expense for the business. Loss by fire, loss by theft are called the also losses of the business. So we consider all the expenses and losses under this head. And the last head is income and the gain, commission received and the other income, salary received, commission received, remunerations received and the other source of the income for the business recording this head. There is the five heads which are classified to the purpose of the debit and credit all the transactions. अब आइए समझते हैं कि इस पांच हेड के अंदर जो है कैसे हम सभी ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं. द फर्स्ट अप्रोच इज डेबिट एंड क्रेडिट. द फर्स्ट हेड इज एसेट्स. इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट. इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट. अगर किसी संपत्ति या एसेट्स के अंदर डिक्रीज इंक्रीज हो रहा हो, बढ़ रहा हो, इसको आपको क्या कर लेना है? डेबिट कर देना है. लेकिन अगर एसेट्स में माइनस हो रहा हो, माइनस होने का मतलब क्या होता है? इसको हमको क्रेडिट कर देना है. ठीक इसी तरह से अगर लाइबिलिटीज़ जो है आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, तो एसेट्स का जस्ट रिवर्स, एसेट्स को डेबिट करते हैं, इसको क्रेडिट कर दीजिए. डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, व्हेन लाइबिलिटीज डिक्रीजेज इट्स वी डेबिटेड. नहीं, जस्ट अपोजिट रिलेशन. एंड इंक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल इंक्रीज कर रहा हो इसको क्या करना है हमको? क्रेडिट करना हो. और अगर कैपिटल डिक्रीज कर रहा हो तो इसको क्या करना है हमको? डेबिट करना है. ठीक इसी तरह से इंक्रीज इन एसेट्स एंड लॉसेस, अगर लॉस हो रहा हो तो इसको आप डेबिट करिए, और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो इसको क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए. और इनकम, इनकम के बारे में सोचते हैं, इनकम को क्या करना है? इंक्रीज इन इनकम, इसको हमको क्या करना है? इंक्रीज इन इनकम, इसको क्रेडिट कर दीजिए. और डिक्रीज इन इनकम को क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए, क्योंकि इनकम में बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है, इसको क्रेडिट करना है. इंक्रीज को घटना हमारे लिए जो है, इनकम का घटना हमारे लिए क्या सिर्फ लैक ऑफ इनकम यानी लॉस है, इसलिए इसको क्या करना है? क्रेडिट करना है, सॉरी डेबिट करना है. इस तरह से इन पांच हेड के अंदर हम क्या करते हैं कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर इन फाइव हेड्स के अंदर जो है हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को. When you purchase the furniture, what's happen? It's a increase and decrease the furniture. Obviously, furniture is increases.
व्हेन वी परचेज द फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट को हमको क्या करना है, डेबिट कर देना है. व्हेन वी सेल द फर्नीचर, फर्नीचर बट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज नेचुरली. व्हेन वी सेल द फर्नीचर, आवर फर्नीचर इज डिक्रीजेज, सो व्हेन द एसेट्स इज डिक्रीजेज इट्स क्रेडिटेड. तब फर्नीचर को क्या करना है हमको, उस समय फर्नीचर को क्रेडिट कर देना है. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि कैसे डेबिट करना है, कैसे, जब हम एसेट्स परचेज करते हैं या हमारे एसेट्स में इंक्रीज होता है तब इसको हमको डेबिट करना चाहिए. अगर हमारे एसेट्स को बेचने के कारण या लॉस किसी भी तरह से हो, एबनॉर्मल हो, तो इस समय हमको क्या करना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए. इसी तरह से लाइबिलिटीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या करना है लाइबिलिटीज़ को, इंक्रीज द लाइबिलिटीज. अगर हमारा लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा हो तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज करने पर लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना चाहिए. अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज कर रहा हो, जैसे मान लो अब वी परचेज द गुड्स फ्रॉम राम, राम को हम जब सामान खरीदे हैं राम से, व्हेन वी परचेज द गुड्स फ्रॉम राम वी पेड द मनी, एंड व्हेन यू नॉट पेड द मनी दैट मीन्स यू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द राम. सो राम वी वॉन्ट टू पेड द अमाउंट ऑफ द राम. When we are not paid the amount of the Ram, we are a Ram is a creditor because we paid the amount to the Ram. So when the it's create the liabilities because we are not paid the amount for purchase goods from the Ram. So अगर Ram से हम सामान खरीदते हैं और Ram को उसका payment नहीं कर रहे हैं तो इस समय क्या है हमारे लिए, liabilities है, क्योंकि हमको इसका payment करना है. और ऐसे condition में हमको क्या करना है कि जब हम कोई भी सामान क्रेडिट परचेज करते हैं तो इससे हमारे लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है और इस कारण हमको उसको पेमेंट करना होता है. इसलिए जब भी ये लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो तो इसको क्या करना है, क्रेडिटर, क्रेडिटर. अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है. अगर ये डिक्रीज हो जाए तो क्या करना है इसको, व्हेन वी पेड द क्रेडिटर. अगर राम को आपने पेमेंट कर दिया तो आपका लाइबिलिटीज़ बढ़ा या घटा, लाइबिलिटीज़ आपका घट गया. तो इंक्रीज द लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है तो आपको इसको क्रेडिट कर देना चाहिए. अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज होता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको डेबिट करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज इन कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल. ऑनर इंट्रोड्यूस मनी इन द बिजनेस आर कॉल्ड अप्रोक्सीमेटली कैपिटल. ऑनर इक्विटीज, व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल. जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज करेगा. और ऐसे कंडीशन में इस अकाउंट को क्या करना चाहिए, हमको क्रेडिट कर देना चाहिए. लेकिन अगर हम विड्रॉल करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, तो इससे क्या होता है, कैपिटल घटता है या बढ़ता है, घटता है. तो इसको क्या करना चाहिए, हमको डेबिट कर देना चाहिए. ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास एक्सपेंस या लॉसेज है, अगर इंक्रीज होता है एक्सपेंस या लॉस तो इसको क्या करना चाहिए, हमको डेबिट करना चाहिए. याद होगा इंडियन अप्रोच में भी हमने पढ़ा था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो यहाँ पर इंक्रीज जैसे ही होगा लॉसेस और एक्सपेंसेस, इसको हमको डेबिट करना चाहिए. अगर इसमें डिक्रीज होता है तो इसको हमको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए. ठीक इसी तरह से इनकम अगर हमारा इंक्रीज कर रहा हो तो इसको क्रेडिट करना चाहिए, और अगर इनकम जो है डिक्रीज हो रहा हो तब क्या करना चाहिए, हमको इसको डेबिट कर देना चाहिए. तो ऑलमोस्ट हमको याद रखना चाहिए कि अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो इसको डेबिट करिए, अगर एसेट डिक्रीज करता है तो इसका मतलब इसको क्रेडिट करिए. इसी तरह से अगर हमारा लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है तो इसको डेबिट करिए, और अगर सॉरी क्रेडिट कीजिए, और अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज करता है तो इसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए. ठीक इसी तरह से कैपिटल हमारा इंक्रीज करता है तो इसको आप क्रेडिट कर लीजिए, कैपिटल हमारा डिक्रीज करता है तो इसको आप डेबिट कर लीजिए. और ठीक इसी तरह से अगर आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो इसको आप डेबिट कीजिए, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज करता है तो इसको आप क्रेडिट कर लीजिए. जस्ट रिवर्स, इनकम अगर इंक्रीज करता है तो आप इसको क्या करिए, क्रेडिट कर लीजिए, और अगर इनकम डिक्रीज होता है तो इसको आपको क्रेडिट कर लेना है. ये है हमारा अमेरिकन अप्रोच डेबिट एंड क्रेडिट करने के किसी भी ट्रांजेक्शन्स को. इसके अकॉर्डिंग टू हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट, इसके ऊपर और भी बात हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, हम लोग कुछ
प्रॉब्लम्स भी लेंगे और उसके बाद जो है इंडियन अप्रोच से और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू इसको हम लोग डेबिट क्रेडिट करना सीखेंगे। आज हम लोग डबल इंट्री सिस्टम्स के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए कुछ ट्रांजेक्शन्स लेंगे हम लोग और फिर इसको दोनों अप्रोच को अप्लाई कर इसको डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे।